नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र गहलोत और आप देख रहे हैं टिप्स टू लर्न। दोस्तों, पिछले तीन वीडियो में हमने पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में चर्चा की थी। 1 से लेकर 57 तक के जो रूल थे डेफिनेशन से रिलेटेड, वो हमने देखे। अब दोस्तों बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम, जिसके अंदर 58 से लेकर 160 तक रूल हैं और इनको बोलते हैं मिसनेलियस रूल, जो मेल और सॉर्टिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो दोस्तों 58 नंबर रूल है, इसको मैं शुरुआत करूं। इससे पहले आपको याद करवा दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। तो दोस्तों 58 नंबर जो रूल है वो है लेटेस्ट आवर फिक्स्ड फॉर पोस्टिंग ऑफ मेल। इसके लिए कि द लेटेस्ट आवर ऑफ पोस्टिंग मेल एट पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस विल बी नोटिफाइड इन कनेक्शन विद ईच डिस्पैच इन द नोटिस ऑफ लेटेस्ट आवर ऑफ पोस्टिंग ऑफ मेल सप्लाइड टू द ऑफिस। द लेटर बॉक्स शुड बी फाइनली क्लियर एट द दिस आवर एक्सेप्ट द लेट फीस पोस्टेड इन लेटर बॉक्स अटैच टू मेल ऑफिस एट स्टेशन एट विच ए लेट फीस इज इम्पोस्ट। वेयर द लेटर बॉक्स शुड बी अगेन क्लियर ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड अलाउड फॉर पोस्टिंग ऑफ सच आर्टिकल। इन द केस ऑफ नाइट मेल द लेटेस्ट आवर ऑफ पोस्टिंग विल ऑर्डनली बी 6 PM एंड इन द केस ऑफ डे मेल 30 minutes बिफोर द आवर फिक्स्ड फॉर क्लोजिंग ऑफ द मेल पोस्ट ऑफिस। द आवर्स ऑफ क्लियरेंस ऑफ पोस्ट लेटर बॉक्स प्लेस्ड एट रेलवे स्टेशन वेयर देयर आर मेल ऑफिस शुड एज फेयर एज पॉसिबल बी फिक्स्ड बाई सुपरिटेंडेंट्स ऑफ RMS समटाइम्स आफ्टर द फिक्स्ड आवर ऑफ क्लियरेंस एट द लोकल पोस्ट ऑफिस। मेल विच आर्स टू बी फॉरवर्ड बाई रेलवे एंड शुड ओनली रीच द रेलवे स्टेशन 10 minutes बिफोर द अराइवल ऑफ ट्रेन बाई विच दे आर टू बी सेंट। यानी इसमें जो लेटेस्ट आवर फिक्स किए गए हैं मेल पोस्टिंग के लिए, जैसे लेटर बॉक्स है वो ऑफिस क्लोज होने से आधा घंटा पहले क्लियर होना है। इसी तरह RMS के अंदर है तो सुपरिटेंडेंट्स ऑर्डर जारी करके RMS के ये डिसाइड कर सकते हैं कि 10 मिनट पहले जो ट्रेन डिपार्चर से 10 मिनट पहले तक क्लियर किए जा सकते हैं। 58 नंबर है इसके अंदर कि पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। रजिस्टर्ड जो न्यूज़पेपर होते हैं उनकी पोस्टिंग के लिए क्या है रूल्स, कि न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड बाय द हेड ऑफ डिवीजन और सीनियर पोस्टमास्टर अंडर द IPO रूल 1933 करेक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम कैन बी पोस्टेड इन पोस्ट ऑफिस एंड RMS ऑफिस शोन इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एक्सेप्टेड बाय द हेड ऑफ डिवीजन और सीनियर पोस्टमास्टर। ए रजिस्टर्ड ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पोस्टेड शुड बी मेंटेन्ड बाय ईच सच ऑफिस टू कीप ए वॉच टू इंश्योर दैट नो न्यूज़पेपर नोट एंटर्ड इन द रजिस्टर इज अलाउड टू बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट एट कंसेशियस रेट। द हेड ऑफ द सर्किल सेल सप्लाइड टू द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग कंसर्न्ड कॉपीज एंड ऑर्डर ग्रांटिंग सर्किल सेल सप्लाइड टू द ऑफिस पोस्टिंग कंसर्न्ड कॉपीज एंड ऑर्डर ग्रांटिंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल प्रीवियस रजिस्ट्रेशन और कैंसिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन इवन इफ दे आर चेंज इन द डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफिस ऑफ पोस्टिंग कॉपीज ऑफ ऑर्डर विल बी कम्युनिकेटेड इन इंडिविजुअल केस टू बी ऑफिस ऑफ पोस्टिंग कंसर्न्ड। द रजिस्टर इज ईच ऑफिस ऑफ पोस्टिंग सेल बी किप्ट करप्टेड अप टू डेट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर कम्युनिकेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई हेड ऑफ सर्किल इन द रिस्पेक्ट। द हेड ऑफ डिविजन और सीनियर पोस्ट मास्टर कंसर्न इज ऑथराइज इश्यू ए लाइसेंस फॉर पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज पेपर एट स्पेसिफाइड पोस्ट ऑफिस एंड RMS ऑफिसेज विदाउट प्रिपेयरिंग पोस्टेज अंडर द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन IPO रूल 1933 करेक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेपरेट लाइसेंस आर इशूड फॉर पोस्टिंग टू एड्रेस विद इन इंडिया एंड एड्रेस आउटसाइड इंडिया। कॉपीज ऑफ न्यूज पेपर पोस्टेड अंडर दिस सिस्टम शुड बी चेक्ड एट रैंडम टू सी दैट फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। दैट लिस्ट 100 कॉपीज आर पोस्टेड एट ए टाइम। 100 कॉपी एक साथ में पोस्टेड की जा सकती है। दिस लिमिट इज अप्लाइड सेपरेटली टू कॉपी इन लैंड डेस्टिनेशंस एंड टू दोज फॉर फॉरेन डेस्टिनेशंस। दैट द फॉलोइंग इंडिकेशन अपियर ऑन ईच कॉपीज ओब्लॉन्ग स्पेस ऑन द रैपर और बिलो द रजिस्ट्रेशन नंबर इफ द न्यूज़पेपर इज पोस्टेड विदाउट ए रैपर। अगर बिना किसी रैपर के न्यूज़पेपर पोस्टेड किए जाते हैं तो उस पर ओब्लॉन्ग स्टाम्प है वो स्पेस रखा जाता है और साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे लिखा जाता है। फॉर न्यूज़पेपर एड्रेस टू प्लेस विद इन इंडिया, अगर इंडिया के अंदर न्यूज़पेपर किसी को पोस्ट करने हैं तो उस कंडीशन में लाइसेंस नंबर, लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्री पेमेंट। फॉर न्यूज़पेपर एड्रेस टू प्लेस अबाउट, तो अब्रॉड के लिए लाइसेंस नंबर, लाइसेंस टू पोस्ट अंडर कैश पेमेंट सिस्टम पोस्ट इज पेड।
अब पोस्ट पे ही क्या है कि दैट आर हैंडल्ड इन विद ए प्रॉपर इनवॉइसेज एज इंडिकेटेड इन द नेक्स्ट सब रूल. द कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर विल बी हैंडेड अवर एट द विंडो अलोंग विद एन इनवॉइस इन डुप्लीकेट इन द फॉलोइंग फ्रॉम शोइंग डिटेल ऑफ पोस्टिंग. द ओरिजिनल कॉपी शुड बी रिटेन्ड बाई द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग. द डुप्लीकेट रिटर्न टू द सेंडर आफ्टर इट्स हैज़ बिन ड्यूली साइन एंड डेट स्टाम्प. डेट स्टाम्प और साइन करके दूसरी कॉपी है जो डुप्लीकेट है वो कस्टमर को लौटा दी जाती है. बिफोर द डुप्लीकेट कॉपी इज रिटर्न टू द सेंडर द एंट्रीज इन द इनवॉइस शुड बी प्रॉपरली चेक्ड विद द आर्टिकल पोस्टेड. जो आर्टिकल पोस्ट हुए हैं उनकी एंट्री चेक करनी है प्रॉपर तरीके से. एंड इफ देयर एनी डिस्क्रिपेंसी अगर उसमें किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी है द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग शुड मेक द रिक्वेस्टेड करेक्शन अंडर द इनिशियल ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस और एनी ऑफिसर ड्यूली अनदर इन हिज बिहाफ. अगर उस जो ऑफिस इंचार्ज के बिहाफ पे कोई काम कर रहा है तो वो द लाइसेंस इज बाउंड टू एक्सेप्ट सच करेक्शन. लाइसेंस इस प्रकार के करेक्शन के लिए स्वीकार करने के लिए बाउंड है. कैसे? इनवॉइस फॉर्म जैसे नेम ऑफ द रैपर विद फ्रिक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशंस, नेम ऑफ सिंगल कॉपीज ड्यू, वेट ऑफ सिंगल डेट पोस्टिंग कॉपी पोस्टेज, नंबर ऑफ बंडल्स विद टू कॉपी इच, वेट पर बंडल, नंबर ऑफ सिंगल कॉपीज ड्यू, वेट ऑफ सिंगल डेट पोस्टिंग कॉपी पोस्टेज, नंबर ऑफ बंडल विद थ्री कॉपी इच, वेट पर बंडल, बंडल ऑफ फोर्थ कॉपीज, वेट पर बंडल, नंबर ऑफ फाइव, इसी तरह वेट कॉपी, टोटल अमाउंट ऑफ पोस्टेज, सिग्नेचर ऑफ पोस्टमास्टर, प्रोप्राइटर, पब्लिशर और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर. इस तरह की इनवॉइस होती है. अब सिग्नेचर ऑफ पोस्टमास्टर हो गए इसमें रिसीविंग यहाँ पे डेट और स्टाफ ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ पोस्टिंग. द अमाउंट ऑफ पोस्टेज ड्यू ऑन ऑल पोस्टेज विल बी एडजस्टेड ट्विस ए मंथ. महीने में दो बार जो इनकी पोस्टिंग है वो की जाती है अमाउंट की. ऑन द 16th पोस्टिंग बिटवीन द फर्स्ट एंड 15th ऑफ द मंथ एंड फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग मंथ, एक तारीख और 15 तारीख को, इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम 16 टू एंड ऑफ द मंथ. द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग शुड प्रिपेयर फोर्टनाइटली एट ए बिल इन फॉर्म MS-98. जो MS-98 फॉर्म है उसके अंदर ये लिया जाता है बिल. द पोस्टिंग ड्यूरिंग द पीरियड शोइंग इन कंडीशन अबो शोज द टोटल अमाउंट ऑफ पोस्टेज पेबल टू फॉर ईच डे एज शोन इन द इनवॉइसेज. प्रेजेंट द बिल टू द लाइसेंस 16 एंड फर्स्ट ऑफ ईच मंथ. ए कॉपी ऑफ बिल बीइंग फॉरवर्डेड एट द सेम टाइम टू द हेड ऑफिस एंड द पोस्ट ऑफिस वेयर द बिल इन टू बी पेड वेयर नेसेसरी एंड टू ऑडिट ऑफिस टू इनेबल देम वाज टू क्रेडिट. द पेमेंट ऑफ द बिल हैव बी इफेक्टेड बाई लाइसेंस विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंशन एट द पोस्ट ऑफिस एट द पोस्ट ऑफिस इंडिकेटेड इन द बिल. द पोस्ट ऑफिस शुड कीप ए क्लोज वॉच ऑन द रिसिप्ट ऑफ अमाउंट विद इन दिस पीरियड एंड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट रिपोर्ट द मैटर एट वंस टू ऑफ द हेड ऑफ सर्किल. ए पोस्टिंग ऑफिस रिसीविंग ए कॉपी ऑफ द बिल फ्रॉम RMS ऑफिस फॉर रियलाइजेशन द अमाउंट ऑफ द बिल शुड इंटीमेट द डेट ऑफ रिकवरी द अमाउंट ऑफ टू द RMS ऑफिस कंसर्न टू डेट ऑफ पेमेंट टू बिल इज रिसीव्ड. इन केस ऑफ नॉन पेमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम दिस फैक्ट शुड बी इंटीमेटेड टू द RMS ऑफिस इमिडिएटली. द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड इन द शेड्यूल ऑफ अनक्लासीफाइड रिसिप्ट. UCR के अंदर ये पैसे जमा होते हैं. द अमाउंट स्टेटमेंट इन फॉर्म 99 जो MS-99 फॉर्म का जो मंथली स्टेटमेंट है इनका उसके अंदर शुड बी सेंड बाई द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग इफ इट इज ए सब ऑफिस टू इट्स हेड ऑफिस एंड द ऑडिट ऑफिस ऑन फर्स्ट एवरी मंथ. महीने की पहली तारीख को ये भेजा जाना जरूरी होता है ऑडिट ऑफिस को या अगर सब ऑफिस में है तो ये हेड ऑफिस को. इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ए बिल विद इन फोर्टनाइट फॉलोइंग द फोर्टनाइट टू विच विल द रिलेट्स द पोस्टिंग ऑफ पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज शुड इमीडिएटली बी स्टॉप्ड एंड द लाइसेंस डीम्ड टू हैव बीन कैंसल्ड. उस मतलब इस दौरान स्टॉप कर दिया जाता है पोस्टेज और जो लाइसेंस है वो कैंसिल के कगार पर आ जाता है. 58B में है कि मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल जो फ्रैंक मशीन के आर्टिकल होते हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट है. पोस्टेज ऑन पोस्टल आर्टिकल बोथ ऑफिशियल और प्राइवेट जो भी हो
under a license issued by the head of circle paid by means of impression of franking machine, which will not be bright red color and be made as far as possible on the right hand top corner address side of the postal article itself or an address wrapper on an address label firmly attached to. The franks recorded by each machine will bear an impression or impression showing the amount of postage with the number of machine in the center as in specimen given me. Is tarah se seal 5P5P, seal U5. The illustrations are not executive and licenses may arrange with the agent of franking machine for any denominations. The number in the center denoting the number of frank, there is a date stamp impression showing the name of the office posting, the date as well as the identification mark of license and the license number proceed by the index letter of article. Machine franked article can be posted at not more than 2 offices specified the head of division in the license. 2 offices se zyada jo franked machine ke article hai wo nahi kahin bhi post kiye ja sakte, yani teesre office mein nahi kar sakte wo. कोई भी 2 ऑफिस अपने निर्धारित कर लिए जाते हैं. वेयर ओनली 1 ऑफिस ऑफ पोस्टिंग इज डिजायर्ड दीज मस्ट बी हैंडेड इन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लाइसेंस एट द काउंटर ऑफ आइदर द पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस और नाइट पोस्ट ऑफिस. वेयर द लाइसेंस डिजायर टू पोस्ट देम एट 2 ऑफिस दे मे बी हैंडेड आइदर एट ए पोस्ट ऑफिस एंड ए मेल ऑफिस और एट ए पोस्ट ऑफिस और ए नाइट पोस्ट ऑफिस और ए मेल ऑफिस और ए नाइट पोस्ट. इनमें से कोई भी 2 ऑफिस वो अपनी पोस्टिंग के लिए जो फ्रैंक मशीन आर्टिकल लेके आते हैं वो चूज कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पोस्ट करना है, तो वो स्टार्टिंग का प्रोसेस है. द फ्रैंक आर्टिकल विल बी टेंडर्ड एट द काउंटर बंडल इन सेपरेट बंडल अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ फ्रैंक्स एंड ईच कंसाइनमेंट विल बी अकम्पनीड बाई ए विंडो डिलीवरी टिकट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइसेंस रिप्रेजेंटेटिव. इसके लिए विंडो डिलीवरी टिकट रेज कर ली जाती है. द पोस्ट मास्टर ऑफ ऑफिस ऑफ पोस्टिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सींग दैट द आर्टिकल हैव बीन फ्रैंक्ड इन द प्रेस्क्राइब मैनर एंड द सिस्टमेटिक अंडर पेमेंट इज गोइंग नॉट गोइंग ऑन विद द लास्ट डिस्पैच ऑफ द डे और ऑन द क्लोज ऑफ बिजनेस आवर ऑफ द डे द लाइसेंस विल बी रिक्वायर्ड टू टेंडर एट द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग ए डेली डॉकेट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म. डेली डॉकेट होती है फील्ड इन साइन एंड डेट जिसके अंदर सिग्नेचर वगैरह और डेट स्टाम्प होती हैं लगी. इन केस वेयर ए लाइसेंस हैज़ बीन परमिटेड टू पोस्ट द आर्टिकल एट 2 ऑफिस द हेड ऑफ सर्किल विल प्रिस्क्राइब विच ऑफ द 2 ऑफिस कंस्टिट्यूट द मेन ऑफिस ऑफ पोस्टिंग एंड द डेली डॉकेट विल हैव टू बी सेंट टू दिस ऑफिस बाई ऑफिस अदर देन द मेन ऑफिस इज द लास्ट डिस्पैच इज टेंडर्ड एट द ऑफिस. एज फार एज पॉसिबल द मेल ऑफिस शुड नॉट बी कंस्टिट्यूटेड एज द मेन ऑफिस ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम दिस पर्पज. वेयर द मेल ऑफिस इज द ओनली ऑफिस सेलेक्टेड फॉर पोस्टिंग द हेड ऑफ द सर्किल विल प्रेस्क्राइब विच ऑफिस विल मेंटेन द रजिस्टर ऑफ डेली डॉकेट एंड मेल ऑफिस विल सेंड द डेली डॉकेट टू द पोस्ट ऑफिस. यानी हेड ऑफ सर्किल है वो इस कंडीशन में किसी एक ऑफिस की ड्यूटी निर्धारित कर देता है कि डेली डॉकेट कौन मेंटेन करेगा. द हेड ऑफ सर्किल विल ऑल्सो प्रेस्क्राइब विच ऑफिस विल मेंटेन द रजिस्टर ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट इशू. जो हेड ऑफ सर्किल है वो विंडो डिलीवरी टिकट के लिए भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं कि ये ऑफिस है वो विंडो डिलीवरी का जो रजिस्टर है वो मेंटेन करेंगे. द मेन ऑफिस ऑफ पोस्टिंग विल रिकॉर्ड इन द प्रेस्क्राइब रजिस्टर ऑफ डेली डॉकेट द मीटर रीडिंग शोन इन द डेली डॉकेट सबमिटेड बाई द लाइसेंस. ए सेपरेट पेज विल बी अलॉटेड टू ईच लाइसेंस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन. The entries in the prescribed register will be attested by the postmaster daily attested करना है जो entry जो register के अंदर होती है उनको. The impression of franking machine recorded on postal article should not be imprinted in any way. The article should be impressed with the date stamp of the office of posting indicate the date on which the article is actually posted, but in such a manner as not to interfere in any way with the impression of the franking machine. If the franking impressions on article indicate the place of origin and the date of posting, it is not compulsory to date stamp such article. Moreover, ज़्यादातर क्या होता है कि the application of date stamp is not required on registered unregistered article sent at reduced rate of postage book packet जैसे होते हैं provided that the place of origin in the indicated on the article. The frank passed
By the office of posting should not be challenged by any other office, but the office of delivery must carefully check the postage paid on machine franked article, and if any underpayment is noticed, taken action is ordinary manner. कहने का मतलब ये है कि जो फ्रैंकिंग मशीन के आर्टिकल होते हैं जिनमें डेट वगैरह जो भी इंप्रेशन इनके होते हैं उनको डेट स्टाम्प से छापना इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जरूरी नहीं है. मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल पोस्टेड इन लेटर बॉक्स शुड बी ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल. यानी जो फ्रैंकिंग मशीन, ये जो कुछ पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उन पर मैं थोड़ा सा जोर देता हूँ. जैसे कि मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, कहने का मतलब जो फ्रैंकिंग मशीन से जो छपे हुए आर्टिकल हैं अगर वो लेटर बॉक्स में डाल दिए जाते हैं तो वो अनपेड गिने जाएंगे, उनको अनपेड माना जाएगा. अनरजिस्टर्ड आर्टिकल बियरिंग इंप्रेशन ऑफ प्रीवियस डेट शुड नॉट आल्सो बी एक्सेप्टेड. अगर किसी तरह की जैसे पिछली डेट का आर्टिकल है अगर वो पोस्ट किया जाता है तो उसके साथ भी यही कंडीशन हो, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. इन प्लेस वेयर द ऑथराइज्ड डीलर हैव बीन देयर ओन सर्विंग सेंटर विद क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, द रिपेयर एंड सर्विसिंग विल बी कैरिड आउट एट दो सेंटर इन प्रेजेंस ऑफ पोस्टल ऑफिशियल डेप्यूटेटेड देयर फॉर द पर्पज. जैसे PRI वगैरह किसी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी की ड्यूटी लगा जाती है कि अगर जैसे किसी फ्रैंकिंग मशीन की रिपेयरिंग वगैरह करवानी है तो उस टाइम जो पोस्टल ऑफिशियल होते हैं वो डेप्यूट किए जाते हैं, उस कंडीशन में उनके सामने मशीन को खोला जाता है. इन अदर प्लेस द मशीन विल बी सेंट टू द पोस्ट ऑफिस वेयर द डेली डॉकेट रजिस्ट्री इज मेंटेन. द पोस्ट ऑफिस विल रिमूव द लाइसेंस डाइज फ्रॉम द मशीन विच विल सेंट टू द रिपेयर. उसका लाइसेंस डाइज हो जाता है अगर वो रिपेयरिंग के लिए किसी दूसरी जगह भेजी जाती है तो. इन ऑल केसेस द रीसेटिंग ऑफ ही क्रेडिट मीटर ऑफ द मशीन विल बी डन एट द पोस्ट ऑफिस. कट आउट लेबल विद फ्रैंक इंप्रेशन ऑन देम प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज कैन बी यूज एट ऑल पोस्टल आर्टिकल एक्सेप्ट आर्टिकल ऑफ इंश्योर्ड मेल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन. यानी कट आउट जो लेबल होते हैं फ्रैंकिंग इंप्रेशन के साथ में लगाए जाते हैं, उनका जो प्री पेमेंट है वो इस तरह से यूज माना जाता है, किया जाता है जिससे उन पर पोस्टेज लग रही है वो, कि सारे पोस्टल आर्टिकल है वो सभी आर्टिकल जो भी इंश्योर्ड मेल के हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे. उनके लिए जो कंडीशन है वो ये कि नोट मोर देन वन कट आउट लेबल बियरिंग द फ्रैंक इंप्रेशन. यानी एक से ज़्यादा अगर कट आउट लेबल का जो लगा है किसी भी फ्रैंकिंग इंप्रेशन के आर्टिकल पे, इंप्रेशन इन फुल पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड अदर फीस विल बी परमिटेड टू बी अफिक्स ऑन सच पोस्टल आर्टिकल. व्हेन मोर देन वन फ्रैंक इंप्रेशन इज ऑब्टेन ऑन ए कट आउट लेबल और रैपर द इंप्रेशन शुड नॉट ओवरलैप नोर बी मोर देन वन सेंटीमीटर अपार्ट. इनमें मतलब एक सेंटीमीटर से ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए. इन सच केस द इंप्रेशन ऑफ स्टाम्प बियरिंग द नेम ऑफ द फर्म द लाइसेंस नंबर द डेट एंड एनी स्लोगन यूज शुड अपियर ओनली वंस शुड नॉट ओवरलैप एनी फ्रैंकिंग इंप्रेशन. यानी जो ये इनके जो लाइसेंस नंबर डेट स्लोगन अमाउंट है इन पर किसी तरह का फ्रैंकिंग आर्टिकल के अंदर ओवरलैप नहीं होना चाहिए. द कट आउट लेबल शुड बी सिक्योरली पोस्टेड टू द पोस्टल आर्टिकल ऑन द राइट हैंड साइड ओवर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी. जो एड्रेस लिखा होता है उसके राइट हैंड साइड पे ये कट आउट लेबल लगाए जाते हैं. कट आउट लेबल मे नॉट बी अफिक्स टू सेपरेट एड्रेस लेबल अटैच टू सच पोस्टल आर्टिकल. मतलब उनको किसी तरीके से सेपरेट अपने वो नहीं कर सकते लगा के, मतलब जैसे किसी स्टिकर पे या किसी पर्ची पे लगाया और वहाँ चिपका दिया, ऐसे नहीं. वो सिर्फ आर्टिकल पे ही इंप्रेस्ड होने चाहिए. फ्रैंक इंप्रेशन इन सच केस शुड बी टेकन ऑन सच एड्रेस लेबल देमसेल्व्स. द कट आउट लेबल शुड हैव द नेम एंड द एड्रेस ऑफ सेंडर प्रिंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. जो सेंडर का एड्रेस है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रिंटेड होना चाहिए. इन केस वेयर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर इज प्रिंटेड एल्सवेयर ऑन द एड्रेस साइड ऑफ पोस्टल आर्टिकल इट विल बी नेसेसरी टू हैव बीन हिज नेम एड्रेस प्रिंटेड ऑन द कट आउट लेबल. तो वो कट आउट लेबल पर लगाना चाहिए. द टोटल वैल्यू ऑफ द फ्रैंक इंप्रेशन एंड इंप्रेशन शुड बी रिटर्न इन फिगर इन रेड इंक. यानी जितनी अमाउंट अगर इंप्रेशन में लिखी हुई है, जैसे कोई 22 रुपए की रजिस्ट्री है तो उस कंडीशन में 22 रेड इंक से हाथ से ऐसे लिखा होना चाहिए, या चाहे मशीन से लिखो लेकिन रेड इंक होनी चाहिए उसमें. ऑन द कट आउट लेबल बिलो द प्रिंटेड नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर. एन एडवर्टाइजमेंट मे ऑल्सो अपियर अलोंग
साइड द डेट इम्प्रेशन प्रोवाइडेड दैट इट इज फर्स्ट अप्रूव्ड बाई द हेड ऑफ सर्किल पोस्टल डिवीजन इन द विच द मशीन इज यूज जहाँ पे मशीन यूज हो रही है वहाँ के पोस्टल जो हेड होते हैं डिवीजन के उनके द्वारा सबसे पहले अप्रूव्ड होना चाहिए वो. इट रिलेट्स सोलेली टू द बिजनेस एंड प्रोसेस प्रोफेशन ऑफ द लाइसेंस. इट क्विट सेपरेट फ्रॉम द इम्प्रेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क लाइसेंस नंबर द डेट स्टाम्प एंड द पोस्ट मार्क. इट इज कन्फिन्ड टू द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पोस्टल आर्टिकल. द कॉस्ट ऑफ कटिंग द डाई इज मेड बाई द लाइसेंस. द लाइसेंस कैन गेट अप्रूवल फ्रॉम द हेड ऑफ पोस्टल डिविजन एज मैनी स्लोगन एंड एडवर्टाइजमेंट एज मे डिजायर प्रोवाइडेड नोट मोर देन वन स्लोगन एडवर्टाइजमेंट यूज फॉर आर्टिकल. एक से ज़्यादा कोई एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड या जो भी स्लोगन है वो एक से ज़्यादा उस पर किसी तरीके से यूज नहीं किया जाना चाहिए. नो चेंज इन द टेंडर ऑफ एडवर्टाइजमेंट सेल बी मेड वंस इट इज अप्रूव्ड विद आउट सिमिलर प्रियर अप्रूवल ऑफ हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन कंसर्न. कहने का मतलब ये है कि जो पोस्टल डिवीजन के हेड हैं वो परमिशन देते हैं अप्रूवल देते हैं कि आप ये एडवर्टाइजमेंट या एक स्लोगन है किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर. अगर वो आप बार बार चेंज कर रहे हो दूसरी बार अगर आप ये सोच रहे हो कि आज मैंने ये एडवर्टाइजमेंट किया है दूसरे तीसरे दिन मैं ये करूँगा चेंज करूँगा उसको तो उसकी प्रियर पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी पोस्टल डिवीजन तब उसके बाद में चेंज कर सकते हो आप नहीं तो आपको हमेशा वही लगाना है. द हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन एज वैन नोटिफाइड बाई द लाइसेंस इन द चेंज ऑफ एड्रेस ऑन द लोकेशन ऑफ रैंकिंग मशीन विल इंटीमेट दिस चेंज द डिविजनल सुपरिटेंडेंट एटसेट्रा कंसर्न. 58C नंबर है अकाउंट्स विद लाइसेंस ऑफ रैंकिंग मशीन एन अकाउंट विल बी मेंटेन इन द प्रस्क्राइब्ड रिकॉर्ड बुक इन डुप्लीकेट विद ईच लाइसेंस ऑफ रैंकिंग मशीन एंड पेमेंट विल बी मेड बाई हिम ऑन अकाउंट ऑफ पोस्टेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन द रूल 185 द पोस्ट ऑन टेलीग्राफ फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम फर्स्ट उसके अंदर दिए हुए हैं. द इनविजिबल मीटर ऑफ रैंकिंग मशीन विल बी सेट टू द फिगर रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल पेमेंट मेड बाई द लाइसेंस. द सप्लायर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ एन ऑफिशियल ऑफ लोकल पोस्ट ऑफिस एंड बी सील्ड विद ए पोस्ट ऑफिस सील. यानी पोस्ट ऑफिस के जो कोई भी डेपुटेट जो भी सुपरविजन है सॉरी ऑफिशियल है उनके सुपरविजन में ही वो कर सकता है और पोस्ट ऑफिस के द्वारा उस पर एक सील भी लगी होती है ताकि उसको उसके साथ कोई किसी तरह की छेड़खानी हुई है तो वो पता लग जाए. द मशीन विल बी ब्रॉट टू द पोस्ट ऑफिस फॉर रीसेटिंग द मीटर. अगर मीटर रीसेट करवाना है तो पोस्ट ऑफिस में लेके आना पड़ेगा उसको. एट द टाइम ऑफ रीसेटिंग द ओरिजिनल सील इन द मशीन मस्ट बी ब्रोकन. जो ओरिजिनल सील है वो तोड़ दी जाती है एंड आफ्टर रीसेटिंग ए फ्रेश सील शुड बी अफिक्स्ड और उसके बाद में एक नई फ्रेश सील लगा दी जाती है. द अमाउंट पेड एंड पर्टिकुलर शुड बी एंटर इन द कॉपी ऑफ रिकॉर्ड बुक. जो रिकॉर्ड बुक होती है उसके अंदर जो अमाउंट है जितने का रिचार्ज किया गया है तो वो उस रिकॉर्ड बुक के अंदर रखा जाता है. एंड द पोस्ट ऑफिस एज प्रिस्क्राइब्ड इन द फाइनेंशियल हैंडबुक रेफर्ड इन द प्रोसीडिंग पैराग्राफ. एन अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन फॉर्म MS-10. जो MS-10 है उसमें एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है प्रिपेयर किया जाता है कि आफ्टर द अकाउंटेंट हैज साइंड इन टू सर्टिफिकेट. अकाउंटेंट के साइन करने के बाद में शुड बी प्लेस्ड इन द सेपरेट फाइल्स हो ईच मशीन. सबकी अलग अलग फाइलें होती हैं. द लाइसेंस एंड द पोस्ट ऑफिस कॉपी शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाई द पोस्ट मास्टर. पेमेंट अंडर देन बाई चेक शुड बी डिस्करेज. इफ पेमेंट मेड इन केस द ऑफिशियल रिसेटिंग द मशीन विल ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर टू द फर्म ब्रिंगिंग द मशीन ऑफ रिसेटिंग इन द रिमार्क कॉलम ऑफ द पोस्ट ऑफिस व्हेन दे क्रेडिट द अबाउट अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस विल सी दिस हैड बीन डन. थोड़ा दोस्तों ये जो फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड जो भी है ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है क्वेश्चंस बहुत आते हैं इनमें थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है. कोई मतलब लंबी चौड़ी गाथा नहीं है इसमें पर ये थोड़ा समझने वाली बात है. इट इज़ फर्दर प्रस्क्राइब्ड दैट द पोस्टल ऑफिशियल अदर देन द वन हु रीसेट द मशीन शुड कैरी आउट ए रैंडम इंस्पेक्शन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन एंड सी दैट द मीटर रीडिंग फाउंड ऑन द डे आर इन ऑर्डर इज कंपेयर्ड विद दोज नोटेड इन द डेली डॉकेट सबमिटेड टू द
लाइसेंस जो जिसकी ड्यूटी होती है पोस्टल ऑफिशियल की, उसको ये देखना जरूरी होता है रजिस्टर्ड डॉकेट के अंदर जितना जैसे बैलेंस बताया गया है कितने आरटी इसका फ्रैंकिंग मशीन का इतना बैलेंस है, तो वो मैनुअली जो रजिस्टर्ड डॉकेट है उससे और मशीन से कंपेयर करना होता है। ही विल आल्सो नोट इन द मीटर बुक, और जो मीटर बुक है उसके अंदर ये नोट भी करना होता है, द मीटर रीडिंग एज फाउंड बाय हिम, जो उसके द्वारा जो मीटर रीडिंग देखी गई है पाई गई है, एंड द रिपोर्ट टू द पोस्टमास्टर इमीडिएटली, किस कंडीशन में, इन द इवेंट ऑफ एनी इरेगुलरिटी बींग नोटिस, अगर किसी तरह की अनियमितता है तो इस कंडीशन में पोस्टमास्टर को रिपोर्ट करना होगा। नोट नंबर वन, द पोस्ट ऑफिस सील फॉर सीलिंग फ्रैंकिंग मशीन मस्ट बी केप्ट बाय द पोस्टमास्टर इन दिस पर्सनल कस्टडी, पोस्टमास्टर की पर्सनल कस्टडी में रखी जाती है सील। कस्टडी एक्सेप्ट इन द जनरल पोस्ट ऑफिस एट मुंबई एंड कोलकाता वेयर इट शुड बी केप्ट इन द डिप्टी डायरेक्टर, जो GPO हैं दो मुंबई और कोलकाता के अंदर, वहाँ जो पर्सनल कस्टडी है वो डिप्टी डायरेक्टर के पास रहती है। इट शुड बी हैंडेड ओवर अंडर रिसिप्ट ऑफ ऑफिशियल डेप्यूटेड फॉर रिसेटिंग द मशीन एंड दिस ऑफिशियल विल बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ कस्टडी अंडर लॉक एंड की वेन नॉट इन यूज बाई हिम पर्सनली एंड अंटिल इट इज़ ए रिटर्न टू द पोस्ट मास्टर, जब तक पोस्ट मास्टर को वो चाबी उसकी नहीं लौटाई जाती है जो, तो उसकी जो जिस ऑफिशियल की ड्यूटी लगाई गई है कर्मचारी की अधिकारी की, तो वो पर्सनल उसके लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। द प्लेस ऑफ द लीड सील विच आर यूज फॉर प्रिवेंटिंग द अनऑथराइज रिमूवल ऑफ बॉटम विल बी इन द कस्टडी ऑफ एजेंट ऑफ फॉर द सप्लाई ऑफ फ्रैंकिंग मशीन, द इम्प्रेशन मेड बाय द प्लेट्स ऑन द लीड सील शुड बी एग्जामिन्ड बाय द पोस्ट मास्टर इन द केस ऑफ GPO एट मुंबई एंड कोलकाता बाय द डिप्टी डायरेक्टर वेयर देर आर क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। अब 59 नंबर रूल है दोस्तों, क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स, द लेटर बॉक्स ऑफ ए पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस शुड बी ओपनड एंड क्लियर बाय द पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट एज द केस मे बी एट कन्वीनियंस इंटरवेल्स ड्यूरिंग द डे सो एज टू एक्सपीडिएट द प्रिपरेशन ऑफ मेल फॉर डिस्पैच, द की ऑफ लेटर बॉक्स मस्ट रिमेन इन कस्टडी ऑफ द ऑफिशियल ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, जो उसकी चाबी रहती है लेटर बॉक्स की वो ऑफिशियल के पास ही रहती है पूरे वर्किंग आवर के दौरान, इसमें सेकेंड डिलीटेड है, थर्ड में बताया गया है, आर्टिकल पोस्टेड इन फिक्स्ड आउटसाइड लेटर बॉक्स शुड बी ब्रॉट टू द पोस्ट ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द आवर फिक्स टू द फाइनल क्लियरेंस ऑफ द ऑफिशियल लेटर बॉक्स, जो फिक्स आवर है लेटर बॉक्स क्लियरेंस उसके बाद में जो आर्टिकल है वो बाहरी गिने जाएंगे, उनको बाहरी माना जाएगा। द कीज ऑफ चेंजेबल आवर पैड्स मस्ट बी केप्ट इन कस्टडी ऑफ द सॉर्टिंग असिस्टेंट ड्यूरिंग द वर्किंग आवर, द सॉर्टिंग असिस्टेंट शुड सी दैट द लेटर बॉक्स पियोन्स लीव द ऑफिस फॉर द क्लियरेंस ऑफ आउटसाइड लेटर बॉक्स एंड रिटर्न फ्रॉम देयर राउंड्स पंक्चुअली एट द टाइम फिक्स्ड, ही शुड मेक अवर द कीज ऑफ फिक्स आउटसाइड लेटर बॉक्स एंड वेयर चेंजेबल आवर प्लेट्स आर यूज द प्रॉपर प्लेट्स ऑफ द लेटर बॉक्स पियोन्स एंड सी दैट द करेक्ट की एंड प्लेट्स आर ब्रॉट बैक टू द ऑफिस। अब 60 नंबर है क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स एट रेलवे स्टेशन, तो इसमें क्या होता है कि लेटर पोस्टेड विदाउट लेट फीस इन लेटर बॉक्स एट रेलवे स्टेशन एट विच मेल ऑफिस आर नॉट एस्टेब्लाइज शुड वेन एवर प्रैक्टिकेबल बी क्लियर बाय द मेल पियोन एंड हैंडेड ओवर बाय द ट्रांजिट सेक्शन, द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड हाउ एवर बी ऑब्जर्व्ड, क्या जो प्रोसीजर है वो देखते हैं कि वेन द मेल पियोन और अदर ऑफिशियल अपॉइंटेड टू क्लियर द लेटर बॉक्स इज कंपार्टमेंट टू पोर्ट द आर्टिकल फाउंड इन इट आफ्टर द लास्ट डिस्पैच थ्रू द लोकल पोस्ट ऑफिस ही विल मेक ओवर टू द सेक्शन एनी आर्टिकल द डायरेक्शन इन विच द सेट इज ट्रेवलिंग फॉर बींग हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट सॉर्टिंग ऑफिस कमिंग एंड ऑन रूट एट स्मॉल स्टेशन एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड वेयर नॉट मोर देन 10 आर्टिकल ऑन एन एवरेज आर पोस्टेड इन द लेट स्टेशन लेटर बॉक्स, 10 से अगर कम उनकी संख्या है जो आर्टिकल पोस्टेड किए गए लेटर बॉक्स में, तो जो सेक्शन स्टेशन का लेटर बॉक्स होता है उसमें क्या है कि बिटवीन द लास्ट क्लियरेंस फॉर इंक्लूजन इन द पोस्ट ऑफिस डिस्पैच द अराइवल ऑफ द ट्रेन आर्टिकल टेकन फ्रॉम द लेटर बॉक्स शॉर्टली बिफोर द ट्रेन इज ड्यू में विद द प्रीवियस कंकरेंस
of the superintendent's RMS concerned and when the male peon is not sufficiently literate to sort letter, be handed to the officer in charge the station of transmission to next sorting office. Note, at place where the letterbox are not cleared by male peons who attend the railway station for exchange of mail, they are forbidden from accepting any loose letter from any member of public. Public से किसी तरह के जो loose letter है वो नहीं ले सकते, बिल्कुल उनको मनाही है इस चीज़ की. अगर जैसे कोई letterbox में डालने से जो अपने मेल पियोन है letterbox खाली करने के लिए आता है, अगर कोई पब्लिक से वहाँ एक लूज लेके आते हैं जैसे डाक की, मेरी डाक किसी में साथ में ले चलो, तो वो बिल्कुल पाबंद है. हेड ऑफ सर्किल में हाउ यू आर यूज देयर ओन डिस्क्रिप्शन इन रेगुलेटिंग एक्सेप्ट आर्टिकल बाय मेल पियोन अदर ऑफिशियल डेप्यूटेड टू एक्सचेंज मेल वेयर लोकल कंडीशन डिमांडेड कीपिंग इन व्यू प्रिंसिपल अंडरलाइंग द रूल ऑन द सब्जेक्ट द की एंड द changeable hour plates of letterbox concerned must be kept by sorting postal assistant during the working hour. जो sorting postal assistant होते हैं पूरे काम के दौरान उनकी चाबी उनके पास ही रहती है, या जो भी चाबी है या changeable hour plate होती हैं वो. But should be temporary entrusted to the male peon. लेकिन एक विश्वास के तौर पे मेल पियोन के पास ही रहती है प्रैक्टिकली. और अदर ऑफिशियल अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरिंग द लेटर बॉक्स इन आर एम एस द की शुड बी द कस्टडी ऑफ द सॉर्टिंग असिस्टेंट कंसर्न्ड, जिसकी ड्यूटी होती है ऐसे कि उसके पास रहती है. 60A नंबर है कि सेपरेशन ऑफ आर्टिकल टेकन फ्रॉम लेटर बॉक्स. द आर्टिकल टेकन फ्रॉम लेटर बॉक्स शुड बी प्लेस्ड ऑन ए टेबल. जो लेटर बॉक्स जितने आर्टिकल लेके आते हैं निकाल के उनको एक टेबल पर रखा जाता है. एग्जामिन एंड डिवाइडेड इन टू फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास में. फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास मेल के बतौर उनको अलग अलग किया जाता है. द फॉर्मर शुड इंक्लूड आर्टिकल बोथ इनलैंड एंड फॉरेन इंटेंडेड टू बी फॉरवर्डेड बाई सरफेस एज वेल बाई एयर रूट. द लेटर शुड इंक्लूड आर्टिकल बोथ इनलैंड एंड फॉरेन इंटेंडेड टू बाई फॉरवर्डेड बाई सरफेस एज वेल एज बाई एयर रूट. द अबो क्लास ऑफ मेल शुड देन बी सेपरेटेड इन टू, जो किस तरह से उनको सेपरेट किया जाता है कि फुली प्रिपेयर्ड लेटर इंक्लूडेड, जैसे पोस्ट कार्ड हो गए, लेटर कार्ड हो गए, एड लेटर है, या आर्टिकल टू विच लेट फीस आर ट्रांसमिशन गिवन. फुली प्रिपेयर टिक पैकेट हो गए, जैसे न्यूज़पेपर बुक पैकेट, पैटर्न पैकेट. लेटर विच अपीयर टू इनसफिशिएंटली पेड, जो अधूरे पे किए हुए हैं. अनपेड लेटर द पोस्ट कार्ड इनलैंड कार्ड ऑन विच पोस्टेज इज चार्जेबल ओनिंग टू इनफ्रीगमेंट ऑफ कंडीशन. में किसी ने अगर ये कंडीशन तोड़ी है तो उस कंडीशन में जैसे पोस्टेज ड्यू है ज़्यादा है. इनलैंड पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर कार्ड और प्राइवेट मैन्युफैक्चर ऑन विच पोस्टेज आइदर नोट प्रीपेड और नोट कन्फर्मेटिंग टू प्रस्क्राइब साइज पैकेट न्यूज़पेपर एंड बुक एंड पैटर्न पैकेट विच अपीयर टू बी अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड ऑन विच पोस्टेज चार्जेबल ओनिंग टू इनफ्रीगमेंट ऑफ कंडीशन. सेकेंड क्लास मेल जैसे पैकेट न्यूज़पेपर बुक एंड पैटर्न पैकेट आर फर्दर डिवाइडेड इन टू एयर मेल आर्टिकल. ये फिर डिवाइड किए जाते हैं, जैसे सरफेस वाले अलग हैं और एयर मेल वाले अलग. जैसे आर्टिकल इंडेंटेड टू फॉरवर्ड बाई एन एयर रूट एंड आर्टिकल इंडेंटेड टू फॉरवर्ड बाई ऑर्डनरी रूट. द अनपेड आर्टिकल एंड दोज दैट अपीयर टू इनसफिशिएंटली पेड शुड बी नेसेसरी बी वेट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटेंडिंग द पोस्टेज ड्यू. अनपेड और इनसफिशिएंटली प्रीपेड आर्टिकल फॉरेन कंट्रीज शुड बी डिस्पोज ऑफ लेट डाउन इन रूल 111A. उसके अंदर फॉरेन जो कंट्रीज़ के आर्टिकल हैं वो किस तरह से डिस्पोज किए जाते हैं, रूल नंबर 111 के अंदर ये बातें दी हुई हैं. अब कंटेंट ऑफ बुक पैकेट जिन पे एयर सरचार्ज और जो ऑर्डिनरी होते हैं वुड बी केयरफुली सिक्योरिटाइज विद ए व्यू ऑफ टू सी वेदर दे फुलफिल द कंडीशन ऑफ फॉर ट्रांसमिशन बाई एयर और बाई सरफेस रूट एज द केस में भी. जो भी केस हो अगर फुली सरचार्ज पे किया उनका एट द बुक पैकेट रेट्स. द रिजल्ट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी नोटेड डेली बाई द असिस्टेंट कंसर्न्ड इन एरर बुक एंड द एंट्री शुड बी कैरिड बाई द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ब्रांच. जो सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं जो उनका सिक्योरिटी से संबंधित जो भी परिणाम है वो एक एरर बुक है उसके अंदर नोट करते हैं और जो एंट्री है वो बाद में सुपरवाइज जो ऑफिसर इंचार्ज हैं उनसे वेरीफाई करवाई जाती है. सुपरवाइजिंग ऑफिसर शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ एज इंस्पेक्शन बाई एन एग्जामिनर ऑफ एरर बुक दैट द वर्क इज बीइंग डन रेगुलरली.
नोट अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल एड्रेस टू ट्रूप्स शुड नॉट बी सेंट टू आर्मी पोस्ट ऑफिस बट शुड बी डिटेन एंड डिस्पोज एज ए अनडिलीवरेबल आर्टिकल वेयर नेसेसरी थ्रू द आरलोज. जो अनपेड और अधूरे जो पेड के आर्टिकल हैं बैरिंग जिनको बोलते हैं, अगर वो ट्रूप्स किसी तरह से जैसे आर्मी और पोस्ट ऑफिस को छोड़ के अगर दूसरे पोस्ट ऑफिस को भेजे जाते हैं तो उनको डिस्पोज इस तरीके से अनडिलीवर्ड मान लिया जाता है, जिनका कोई लेने देने वाला नहीं है उनको आरएलओ को भेज दिया जाता है. फर्स्ट क्लास मेल जिसमें पैकेट न्यूज़पेपर बुक पैकेट पैटर्न पैकेट विच आर टू बी गिवन एयर लिफ्ट शुड बी डील्ड विद एक्सपेंडिचर इनलैंड सरचार्ज. सेकेंड क्लास मेल फॉरेन सरचार्ज एयर मेल आर्टिकल ऑल क्लासेस शुड बी केयरफुली सेक्रोनाइज्ड विद ए व्यू टू सी वेदर द ब्लू एयर मेल लेबल हैज बीन फिक्स्ड बाय द सेंडर टू ईच आर्टिकल. इफ द एयर मेल आर्टिकल डू नॉट बियर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ इन दिस पर्टिकुलर कैन नॉट बी इजिली एक्सटेंडेड दे शुड बी डील्ड विद एज फॉलो. इन द केस ऑफ लेटर पोस्ट कार्ड एरोग्राम इफ द पोस्ट इज पेड प्रेजेंट्स एटलीस्ट 75% ऑफ सरचार्ज इन द केस ऑफ लेटर एंड 50% ऑफ द कंबाइंड चार्ज. अगर लेटर की कंडीशन में अगर कोई लेटर है उस पर अगर 75% उसने पेड कर दिया है सरचार्ज के साथ में और 50% जो पोस्ट कार्ड या एरोग्राम है उन पर पेड कर दिया है, इस केस में क्या है कि द आर्टिकल शुड बी फॉरवर्डेड बाई द एयर आफ्टर बींग टेक्स्ट ऑफ द डिफिशेंसी. जितना भी अंतर है अमाउंट का वो वसूल करने के बाद में उसको भेज दिया जाता है एयर के द्वारा. इफ़ द पोस्टेज पेड इज लेस देन 75 या सरचार्ज ऑफ 50 अगर इससे कम है तो द कंबाइंड चार्ज द आर्टिकल शुड बी डिस्पेज बाय सरफेस मेल. तो ऐसे आर्टिकल को सरफेस मेल से भेजा जाता है ना कि एयर मेल से. इफ़ द अमाउंट प्रिपेयर इज लेस देन द चार्ज फॉर ए सरफेस आइटम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरी जैसे एरोग्राम बिंग ट्रीटरीज एंड लेटर देन द आर्टिकल विल बी टैक्स्ड लाइक सरफेस मेल. इन द केस ऑफ आर्टिकल अदर देन लेटर पोस्ट कार्ड एरोग्राम अगर लेटर या पोस्ट कार्ड या एरोग्राम के अलावा जो दूसरे आर्टिकल हैं, इफ द अमाउंट प्रीपेड रिप्रेजेंट एटलीस्ट 75 ऑफ सरचार्ज अगर 75% से कम सरचार्ज हैं दे शुड बी फॉरवर्डेड बाई एयर. अगर 75 है तो वो एयर से भेजे जा सकते हैं और उससे कम है तो वही सरफेस वाला सिस्टम है. तो ये बिल्कुल सेम है. अनपेड एंड इनसफिशिएंटली प्रीपेड आर्टिकल इंटेंडेड फॉर ट्रांसमिशन बाई एयर बेयरिंग द एड्रेस ऑफ सेंडर शुड बी डिस्पोज अकॉर्डिंग विद द इंस्ट्रक्शन कंटेंड इन रूल 110A. एनी प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड एरोग्राम विद डज नॉट कन्फर्म द स्पेसिफिकेशन शुड बी ट्रीटेड एन एयर मेल लेटर एंड डील्ड विद अकॉर्डिंगली. व्हेन एन अनपेड और अनसफिशिएंटली प्रीपेड आर्टिकल इज डाइवर्टेड टू द सरफेस रूट ऑल एयर मेल मार्किंग मस्ट बी कैंसल्ड बाई द मीन्स ऑफ टू थिक हॉरिजेंटल लाइन. उस पर दो हॉरिजेंटल लाइन जैसे खींच दी जाती है एंड रीजन फॉर द डाइवर्जन मस्ट बी इंडिकेटेड ऑन द आर्टिकल. जो उसके डाइवर्जन का रीजन क्या है उस पर लिख दिया जाता है. ग्रीटिंग दीज आर्टिकल आर ट्रीटेड एज फर्स्ट क्लास इन मेल इन सॉर्टिंग. जो ग्रीटिंग्स कार्ड होते हैं जैसे किसी का बर्थडे कार्ड है न्यू ईयर का कार्ड है जिनको फर्स्ट क्लास मेल बोलते हैं. इन ग्रीटिंग सीजन दे आर गिवन एयर लिफ्ट आल्सो विदाउट एयर सरचार्ज उन पे किसी तरह का एयर सरचार्ज नहीं लगता. ड्यूरिंग नॉन सीजनल पीरियड अगर नॉन सीजनल पीरियड है तो दे आर सेंड बाई एयर लिफ्ट अवेलेबल सरफेस मोड तब उनको सरफेस मोड के द्वारा भेजा जाता है क्योंकि उन पे किसी तरह का सरचार्ज नहीं होता. शुड एनी सरचार्ज आर्टिकल ड्यूली प्रिपेयर्ड बाई ट्रांसमिशन बाई एन एयर रूट बियरिंग ए सुप्रिस्क्रिप्शन इंडिकेटिंग दैट दे आर इंडेंटेड फॉर ट्रांसमिशन बाई द एयर रूट बी फाउंड टू बी विदाउट द प्रेस्क्राइब्ड एयर मेल लेबल द सॉर्टिंग असिस्टेंट विल पास द लेबल ऑन द आर्टिकल एंड डिस्पेज द आर्टिकल बाई एयर रूट कंसर्न. अब 60B में क्या है कि स्टम्पिंग एंड रिमूवल ऑफ टू सॉर्टिंग केस आर्टिकल क्लियर फ्रॉम एलवीज आर जो लूज बैग होते हैं आर एग्जामिन टू सी वेदर दे आर फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ पोस्टिंग फुली प्रिपेयर्ड और नोट. इफ दे आर एनी वेरिएशन एक्शन इज टेकन टू टैक्स द आर्टिकल एज पर द ऑर्डर उनसे टैक्स वसूला जाना चाहिए जो भी ऑर्डर है उसके हिसाब से. तो दोस्तों थोड़ा बोरिंग टॉपिक था आज का ये थोड़ा सा
ऐसे लेकिन फिर भी आपको अगर पसंद आया नहीं आया तो प्लीज़ इसको लाइक डिसलाइक करना। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, आगे से पढ़ेंगे, आगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। ये दो चार टॉपिक, दो चार रूल थोड़े से बोरिंग है, इनको थोड़ा मतलब आपको अपनी तरफ से थोड़ी ऊर्जा लगानी पड़ेगी समझने के लिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद जय भारत।